विभा प्रकाश जी कवित्री नेतृत्व करते हुए बीएड छात्रों का, और वो भी जो बच्चों ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है और उन्होंने गिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं, और ये आर्यावर्त के बच्चे हैं और आप देख रहे हैं ये कानपुर रोड पर आप देख रहे हैं कि विभा प्रकाश के नेतृत्व में ये बच्चे सब आ रहे हैं और ये कुछ वितरित करेंगे मजदूरों को, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन देंगे, अपने हाथों से कुछ बनाई हुई उत्कृष्ट वस्तुएं पेश करना चाहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप देख रहे हैं इस कानपुर रोड शाखा पर ये लगभग सब पहुँच रहे हैं। ये हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं और ये आर्यावर्त के बच्चे आए हैं विभा प्रकाश के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं कहाँ पहुँचना है। देखिए यहाँ पर आए हैं जहाँ गरीब मजदूर लोग होते हैं और यहाँ पर ये सबको अपना वितरित करने का कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे, बताइए विभा प्रकाश जी की किस तरीके का आयोजन आप कर रही हैं? ये बीएड एजुकेशन कोर्स में इसमें एक प्रैक्टिकम होता है जिसमें ये शिक्षक बनने वाले बच्चे हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करके टीचर एजुकेशन में इन्होंने एडमिशन लिया है बीएड कोर्स में, और इनके प्रैक्टिकम में है कि ये बाद में इनको सोसाइटी में जाना है, समाज में जाना है, कम्युनिटी में जाना है, तो ये देखें कि किस तरह के लोग कम्युनिटी में हैं, उनके लिए इनके मन में मानवीय मूल्य जागृत हो, कुछ देने की भावना जागृत हो, क्योंकि आगे चल के शिक्षा तो देंगे बच्चों को, तो शिक्षा के साथ उन्हें संस्कार भी देना, इनको मूल्यों को भी देने के लिए आज हम यहाँ पर लाए हैं। ये सब बच्चे अपने हाथों से इनको कुछ वितरित करेंगे जो भी इनके मन में है, जैसे जिसकी भावना है वैसे वितरित करेंगे। कहाँ से बच्चे आए हैं? ये आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये ग्रुप है, ये चाहता है जिसके प्रेसिडेंट श्री अनुराग सिंह जी हैं जो कि विधायक हैं भाजपा में, और ये इस्टेब्लिश किया हुआ है पूर्व सिंचाई मंत्री श्री द्वारा, उनके द्वारा ये है। अच्छा। और ये इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, इसका सरदार पटेल डेंटल कॉलेज है, बिंदुओं में आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो उसी के हायर एजुकेशन में ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि यहाँ पर हम ये बच्चे जमीन पर उतर के सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और ये आज सब इन्होंने जो है ये फैसला किया है कि अगर पहले कुछ पढ़ना है करना है तो जमीन पर उतरना होगा। तो बताइए क्या नाम है आपका बेटा? भारती यादव। बताइए क्या लाई हैं आज बना के आप? मैं बच्चों के लिए कपड़े और फ्रूट्स लेकर के आई हूँ, जो गरीब बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाता है उन्हें देने के लिए। आप भी आए हैं साथ में? हाँ, क्या नाम है आपका? नाम सूरज साहू है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, आर्यावर्त में पढ़ता हूँ। सर मेरा नाम जूही सिंह है और मैं बीएड की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं भी वहाँ के लेबर्स के लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेकर आया। क्या नाम है बेटा? कनौजिया। बताइए फर्स्ट ईयर की हूँ और मैं लेबर और छोटे बच्चे और इन गरीब लोगों के लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आई हूँ। वेरी गुड, देखिए आप सामान भी साथ में लाई हैं, देखिए मैडम जी, और बच्चों को और गरीबों को देने के लिए। आप देखिए क्या नाम है बेटा? सर प्रियंका चौरसिया जी। गरीब बच्चों को देने के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर, गरीब बच्चों को देने का सामान लाई है, आप भी लाई है कुछ सामान? बताइए क्या नाम बेटा? कविता नाम है मेरा। बताइए। और मैं लोगों को देने के लिए कुछ सामान और कपड़े, आप भी लाए हैं? मैं भी लाया हूँ, मेरा नाम सागर है, बीएड फर्स्ट ईयर तो हमारे उनकी सहायता के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह सर, बताइए सर बहुत। अनिल कुमार और मैं गरीबों के लिए कपड़े और साड़ियाँ लाया हूँ लेडीज के लिए। अरे वाह, गरीबों के लिए साड़ियाँ कपड़े और वस्त्र लाए हैं, देखिए बहुत सारा अच्छा ये व्यवस्था है। ये कानपुर लखनऊ की वीआईपी रोड कही जाती है, वहाँ पर ये चल रहा है। बताइए जी, बताइए। मेरा नाम रिया है, मैं गरीबों के लिए बिस्किट और फ्रूट लेकर। अरे वाह, आप भी लाई हैं? सर मेरा नाम प्रियंका है जी, हाँ, कपड़े और फल वगैरह कपड़े लाई हैं। अरे वाह। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है और मैं गरीबों की सहायता के लिए मैंने सबसे अच्छा योगदान महसूस कर लिया। बहुत अच्छा, देख रहे हैं आप ये बच्चे गरीब जो है और सेवा करने के लिए आए हैं और ये लगातार चल रहे हैं, ये
देने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कानपुर रोड शाखा पर ये लखनऊ में आर्यावर्त बच्चे हैं, गरीबों को देने के लिए, उनको दान करने के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ सामान पैक करके देखिए थैलों में, बैगों में सब लाए हुए हैं और हर एक के हाथ में लटकता हुआ बैग आप देख सकते हैं आरटी न्यूज चैनल के माध्यम से। देखिए किस तरीके से जो भी आप सामग्री है आज हम आप दिखा रहा हूँ कि ये बीएड के छात्र हैं और ये छात्र जो है अपने घर से बना करके और गरीबों के लिए लेकर के आए हैं और ये देख रहे हैं आप आरटी न्यूज चैनल के माध्यम से। अरे ये मेन रोड पे आलमबाग तो आप भी लाए हैं, क्या लाए हैं? कपड़े लाए हैं। कपड़े लाए हैं किसके लिए? मजदूरों के लिए। अच्छा, मजदूर गरीबों के लिए। अरे वाह, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम आप भी लाए हैं कुछ? हाँ, मैं मजदूरों और गरीबों के लिए कपड़े लेके। अरे वाह वाह, ओके 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 मैम, ठीक है। ये सब आए हैं मजदूर लोग? हाँ, भोजन मिलेगा आपको, मिलेगा। अब देखिए इनमें क्या क्या सामग्रियाँ हैं। हेलो भाई, साड़ी मुझे पता, जो भी है लो, ये लोग देंगे अभी, ठीक है। ये बैनर पे आ जाइए, दिहाड़ी बच्चा। आप देख सकते हैं दिहाड़ी मजदूर लोग, इन लोगों को आज कुछ खाने को मिलने वाला है। खाना तो मिलता है पर हमारी कोई पोजीशन काम के लिए भी मिलना चाहिए, लेबर आदमी भूखा मरता है। अच्छा, भूखो मरता है और क्या, यहाँ काम मिलता भी नहीं है। देखिए हम लेबर से पूछिए। भैया नमस्ते, खाना पीना है? बदलाव एक कदम शिक्षा की ओर, सबको मिलेगा। बिहारी मजदूर भाइयों को किचन के माध्यम से भोजन वितरित हो रहा है, कुछ जूते कपड़े वस्त्र ये सब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आरटी न्यूज चैनल के माध्यम से कि विभा प्रकाश कवित्री हैं जिनके सौजन्य से ये बच्चे आए हुए हैं। हो रहे हैं ये देखिए गरीबों को, आप देख सकते हैं कानपुर रोड है लखनऊ का, यहाँ बिहारी मजदूरों को बैनर के पास आइए। बैनर दिखाई दे रहा है।
आप देख सकते हैं ये बदलाव एक कदम शिक्षा की ओर है। बताइए विभा जी, आज आप बहुत ही बड़ा कार्य कर रही हैं और काफी बच्चों को लेकर के आई हैं। बताइए आप क्या क्या वितरित किया है अभी तक आपने और किस तरीके से? जी, इस तरह से मैं हर बार ले जाती हूँ बच्चों को, कभी वृद्धाश्रम, कभी चिल्ड्रेन होम, और जहाँ कहीं भी ऐसे नीति होते हैं हमारे बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं ऐसी जगहों पर जाकर। और मेरा मानना है कि जिंदगी के यही क्षण है जो हम सही में व्यतीत करके किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत ही कठिन है, और आज हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना जीवन का सही समय नहीं है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ये बच्चे आर्यभट्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आर्यभट्ट हायर एजुकेशन से आ रहे हैं। ये बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। ये आगे चल के शिक्षक बन के समाज को दिशा दिखाएंगे, इसकी शुरुआत इन्होंने अभी से कर ली है। वहाँ बहुत अच्छा, मतलब एक कदम शिक्षा की ओर, और ये दिहाड़ी किशन ये जो आप पटवा रही हैं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। सब बच्चों का हमारी सहयोग है, मैं तो बस इनको आगे ले जाती हूँ, उत्साहित करती हूँ, और बच्चे हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हमारे संस्थान के हैं कि ये हमारी निर्देश का पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, आरटी न्यूज चैनल पर आने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूर दिहाड़ियों को अब खाना वितरण हो रहा है। अभी मस्त बढ़ चुके हैं, अब ये सब लाइन लगी हुई है और ये सब बच्चे आए हुए हैं और सब अपना अपना बना करके लाए हुए हैं और सभी ने अपने वस्त्र वितरित किए हैं और अभी कुछ खाना आने वाला है, लोगों का भोजन बनाया है इन लोगों ने। आप बताइए क्या नाम है आपका? बताइए क्या बनाया आपने? बिस्किट फूड लेके आई है। आप क्या लेके आई हैं? कपड़े लाई हैं। अच्छा, कपड़े लाई हैं और आप अभी छूट गई थी। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुषमा नाम है। हाँ बताइए। फ्रूट वगैरह लाई हैं। अरे वाह, देख रहे हैं आप, हर कोई कुछ न कुछ लाया हुआ है यहाँ पर। और सभी क्या भाई सब लाए, आप भी कुछ लाए हैं? मैं खाने का सामान लाया था जो मैं दे चुका हूँ। अच्छा, खाने का सामान ला चुके हैं और आप भी कुछ लाए हैं? खाने का लाए थे, दे दिया। दे दिया आपने? अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने। देख रहे हैं आप भी कुछ लाए थे क्या? नहीं, अभी से लाया हूँ, दिया नहीं है मैंने। अभी दिया नहीं है, अब देने वाले हैं आप? अरे वाह वाह, देखिए कपड़े हाथ में बच्चे लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शुभम जी, आप भी अभी दान करने वाले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किसको देंगे? जो गरीब लोग हैं उनको देंगे। ये बच्चे दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं सभी को कुछ न कुछ। आपने भी क्या क्या दान किया है? जी, मैंने कपड़े और खाने का सामान दिया है। अच्छा, गर्म कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, खाने का सामान। आपने भी कुछ दिया है? नहीं, खाने का सामान दिया है। खाने का सामान दिया है? मैंने भी खाने का सामान दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने भी खाने का। अरे वाह वाह, सब लोग इन तरफ से खाने का सामान बांट रहे हैं आज। सामान काम आता है ना। जी जी जी, कहाँ से हैं आप आई? हम सब लोग लखनऊ से हैं। ये लखनऊ में तो है ही है, कहाँ? कृष्णा नगर से आई है। आर्यभट्ट कॉलेज के बच्चे हैं, बांट रहा है उसके बनाया द्वारा। देखिए खाना है बच्चों का। देखिए सब बिहारी मजदूरों को बच्चों के द्वारा, जो बी एड के छात्र हैं, इन्होंने ये फैसला किया तो जमीन पर गरीबों को देंगे। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज चैनल की रिपोर्ट।